ओम प्रां प्रीं प्रौं सह शनिश्चराय नमः। मित्रों, ज्योतिष रतन लाइव के इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा, मेरी ओर से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं आपके साथ कि ज्योतिष शास्त्र के अंदर जो 9 ग्रह होते हैं उसमें शनि जो ग्रह हैं, आप भी सब जानते होंगे, आपने भी बहुत अच्छी तरह से शनि महाराज का नाम सुन रखा है। तो आइए उनके विषय में आज विस्तार से आपके साथ चर्चा करेंगे कि जीवन में ये हमारे किन ऐसी चीज कौन सी ऐसी चीज़ हैं कि जिनको ये इनसे प्रभावित होती हैं, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनके ऊपर इनका पूर्ण रूप से आधिपत्य होता है। तो आइए जानते हैं। ग्रहों को मित्रों कुछ नैसर्गिक कार्य सौंपे हुए हैं हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, तो यहाँ पर उनका विचार करना भी आवश्यक हो जाता है। भारतीय ज्योतिष फलित का आधार जो है वो है ग्रह, राशियां तथा भाव। इसीलिए ग्रहों, राशियों तथा भावों की संज्ञाओं का ज्ञान होना यहाँ पर अति आवश्यक हो जाता है। भारतीय ज्योतिष में 7 ग्रह होते हैं तथा 2 छाया ग्रहों को भी स्थान प्राप्त है। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र तथा शनि ये 7 ग्रह हैं तथा राहु और केतु ये दोनों छाया ग्रह होते हैं। आइए मित्रों, अब जानते हैं कि शनि किन किन चीज़ों का जीवन में हमारे प्रतिनिधित्व करते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं। तो आइए वो कौन सी चीज़ें हैं जानते हैं। हमारी आयु, दुख हमारे, रोग, मृत्यु हमारी, संकट, अनादर, गरीबी, आजीविका, अनैतिक तथा अधार्मिक कार्य, विदेशी भाषा, विज्ञान तथा तकनीकी शिक्षा, मेहनत वाले जितने भी कार्य हैं उनको भी ये रिप्रेजेंट करते हैं, और कृषि व्यवसाय, लोहा, तेल, खनिज पदार्थ, जितने कर्मचारी होते हैं लेबर, सेवक, नौकरियां, चोरी, क्रूर कार्य, अंग भंग, लोभ, लालच, बिस्तर पर पड़े रहना, चार दीवारी में बंद रहना, जेल, हॉस्पिटल में पड़े रहना, वायु, वायु विकार जिसको कहते हैं, जोड़ों का दर्द, कठोर वाणी आदि, रूखे सूखे बाल, लंबे और बड़े अंग, बड़े दांत तथा वृद्ध शरीर, काले रंग का दिखने वाला जो होता है यह एक अशुभ ग्रह होता है। मैं ज्योतिष शास्त्र में इसको अशुभ ग्रह की संज्ञा दी गई है, और यह एक बहुत ही मंद गति ग्रह है, बहुत मंद गति से चलता है। निराशा तथा जुए का भी ये प्रतीक है। तो मित्रों, कौन से ऐसे स्थान हैं जो इनसे संबंध रखते हैं? जितने भी गंदे स्थान होते हैं या फिर जहाँ अंधेरा होता है बिल्कुल एकदम, वो स्थान इनसे संबंध रखते हैं। गुफा, जंगल, ये ऐसे स्थान जो हैं यहाँ पर शनि महाराज का वास होता है पूर्ण रूप से। कौन से पदार्थ हैं जो इनसे संबंध रखते हैं? लोहा, काले चने, भांग, तेल, पेट्रोल, कोयला, केरोसिन इत्यादि, ये जितनी भी चीज़ें हैं इन पर सबका, सब चीज़ों पर शनि महाराज का पूर्ण रूप से आधिपत्य होता है। अब जानते हैं कौन से शरीर के अंग हैं जिन पर शनि महाराज का पूर्ण आधिपत्य होता है। दांत हमारे, कलाई, पीठ और पैर, ये शरीर के जो अंग हैं इन पर शनि महाराज का पूर्ण रूप से अधिकार होता है। रोग कौन से हैं? सारे पुराने लाइलाज रोग, जो ऐसे लाइलाज रोग हैं जिनको जो डायग्नोज नहीं हो पाते हैं, पता नहीं लग पाता, ठीक है, या उनका कोई इलाज नहीं होता, जैसे कैंसर वगैरह, वो रोग जितने भी हैं वो इनसे संबंधित होते हैं। दांत, सांस, टीबी, ठीक है, गुदा के रोग, जख्म, जोड़ों के दर्द इत्यादि। अब जानते हैं धातु कौन सा इनसे संबंध रखता है। तो मित्रों, एक तो लोहा और एक पंच धातु, ये 2 धातु हैं जो इनसे संबंध रखते हैं। और रतन कौन सा है जो इनसे संबंध रखता है? वो है नीलम रतन। कारकत्व होते हैं ये दुखों के। रंग इनका होता है काला या नीला, जो रंग होते हैं 2, काला या नीला, वो इनसे संबंध रखते हैं। दिशा इनकी पश्चिम होती है मित्रों, वेस्ट। गुण इनका तामसिक है। स्थान जितने भी गंदे स्थान होते हैं वो सब पर इनका आधिपत्य है, उनको ये रिप्रेजेंट करते हैं, उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। ऋतु इनकी शिशिर होती है, यानी कि ठंड वाला जो मौसम होता है, सर्दी। इंद्री जो होती है इनकी, स्पर्श। तो मित्रों, यहाँ आज हमने आपको शनि ग्रह के विषय में विस्तार से बताया है, और हमें उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम हमारा बहुत अच्छा लगा होगा, जो हमने शनि से ग्रह से संबंधित आपको जानकारियाँ यहाँ पर दी हैं। और आपको ये भी बताना चाहते हैं
कि शनि जीवन में जिन जिन चीज़ों को प्रभावित करते हैं उन सभी चीज़ों के नाम हमने आपको अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार से बताए हैं और समझाने की कोशिश की है। अगर मित्रों आपकी कुंडली में भी आप नहीं जानते हैं कि शनि ग्रह की स्थिति कैसी है तो आप हमसे अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं और ये जान सकते हैं कि शनि ग्रह आपके जीवन में आपके कुंडली के अनुसार कितने लाभकारी हैं, कितना आपको लाभ देने के लिए तैयार बैठे हैं या फिर आपको कितना उनसे नुकसान होने वाला है। और अगर कुंडली में शनि ग्रह की स्थिति अच्छी नहीं होती, खराब होती है, तो जितनी बातों के विषय में हमने आपसे चर्चा की है अभी, उन सभी चीज़ों का जीवन में आपको या किसी भी व्यक्ति को कष्ट उठाना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति पैदा ना हो या हमको ज़्यादा कष्ट ना उठाने पड़े, तो ऐसे कौन से उपाय करें आप हमसे जान सकते हैं शनि ग्रह से संबंधित, और उन उपायों को करके आप अपने जीवन में लाभ प्राप्त कर सकते हैं और कष्टों से भी छुटकारा पा सकते हैं। इसी के साथ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप ज्योतिष रतन लाइव चैनल को लाइक कीजिएगा और इसको सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा मित्रों, क्योंकि जितने भी हमारे आगामी नवीन कार्यक्रम हैं वो आप तक आसानी से पहुँच सकें और आप समय अनुसार उसका लाभ प्राप्त कर सकें। इसी के साथ धन्यवाद। जय माता दी।